हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है ट्रिपल एजिलिटी साहिल सुनील स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब डॉग के पैर बैंड हो जाते हैं उसके क्या रीजंस होते हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे होता क्या है सब्सक्राइब से कि जब भी हम नई वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जो पैर बैंड होने वाली प्रॉब्लम है इसमें होता ये है कि आगे के पैर उसके बैंड हो जाते हैं डॉग के और पीछे के भी हो जाते हैं, तो अगर इसका प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है तो इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो तभी आप उसके प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप तभी उसका एक्शन ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर मान के चलिए कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम तो बहुत हार्ड हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि डॉग को फिर ज़िंदगी भर वैसे ही रहना पड़ता है और उसको लाइफ टाइम भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सही हो पाए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस चीज़ का आप तुरंत एक्शन लीजिए जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने डॉग का ख्याल रखें। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ रीज़न बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। तो उसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। हाँ दोस्तों, जब डॉग्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब उनकी बॉडी का कैल्शियम पूरा नहीं हो पाता है तो उनके पैर बैंड होने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक रीज़न रहता है इसकी वजह से डॉग्स के पैर बैंड होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे हैं आप। जब आप एक जगह पर अपने डॉग को बांध के रखेंगे उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी तो ये प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। एक हेल्दी एंड एक्टिव डॉग वही होता है जो प्रॉपर एक्सरसाइज करता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। और दोस्तों थर्ड रीजन अब सुनील भाई आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों जो तीसरा जो रीज़न है इसका लेग बैंड्स का, वो है कि अगर हम अपने डॉग को चिकने फर्श पर रखते हैं तो किस तरीके से लेग बैंड प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब कोई चिकना फ्लोर, इस तरीके से फ्लोर है, जब हम अपने फ्लोर पे किसी इस चीज़ को आप रखिएगा, ठीक, कोई भी एक यहाँ से जो जुड़ा हुआ है, अगर इस पर कोई चीज़ रखेंगे और ऊपर से अगर लोड पड़ेगा इस पर से तो ये बाहर की तरफ को भागता है, ठीक है, ये बाहर की इधर को भागेगा, दोनों ये स्पेस बढ़ता जाएगा और फैल के इस तरीके से इस पोजीशन में आने की कोशिश करता है, ठीक है, इस लोड के कारण, ठीक है। तो कोई भी जाहिर सी बात है ये चीज़ बाहर को भागती है, तो यही प्रॉब्लम आती है डॉग्स के लेग्स के साथ, ठीक है। तो इसमें जब उनके जो पैर होते हैं स्ट्रेट थोड़ा इस टाइप से, जब उनका बॉडी वेट जो होता है पूरा डॉग्स का, तो वो जब इस पर पड़ता है तो इनके पैर बाहर की तरफ भागते हैं, तो पंजों को रोकने की वो कोशिश करते हैं और वो इस तरीके से बनाते हैं कि इस तरीके से पोज बनाने की कोशिश करते हैं कि ये पंजे हमारे यहाँ पे जमे रहें, और जो इतना उनका सारा जो लोड है वो उनकी नीज पे पड़ता है और नीज बाहर की तरफ को भागने लगती हैं ये, तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ को भागती हैं, जो लोड यहाँ से आके जो इधर जाने वाला लोड है ये इधर को पूरा लगना ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने जॉइंट पर, वो तो वो जॉइंट बाहर की तरफ भाग जाते हैं और वो पैर इस तरीके से बैंड, उनकी बॉडी वेट की वजह से ये वेट है ये, इसकी वजह से वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं और लेग बैंड दिखने लगते हैं। जैसा कि हम अपने आपको अपने वीडियोस में भी बताया है कि ये जो लेग बैंड प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है, ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल रीज़न है। और दोस्तों ये बाहर जाने की बजाय ये इस तरीके से जो लेग्स होते हैं वो अंदर की तरफ भी डॉग कोशिश करने लगता है कि हमारे जो मेरे पैर हैं वो डॉग कोशिश करता है कि रुके रहें पोजीशन में, तो क्या है वो कभी पोजीशन अपनी नीज को टेढ़ा कर लेता है अंदर की तरफ को, इस तरीके से अपना बैलेंस पूरा एकदम परपेंडिकुलर वेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वेट इधर को ट्रांसफर ना हो, अगर सीधा वेट डालने की कोशिश करता है तो नीज़ के थ्रू ऐसे लाता है, इस तरीके से यहाँ पे पैरों को जमाए रखता है, तो वो पैर अंदर की तरफ भी बैंड हो जाते हैं, तो ये अंदर बाहर दोनों की दोनों तरफ को पैर बैंड हो सकते हैं, जैसे ये बाहर बैंड हो गए तो इस कंडीशन में, और अंदर को बैंड होते हैं जब वो जोर अंदर की तरफ को थोड़ा सा लगाने लगता है पैरों को, तो क्या होता है जो उसका बॉडी वेट है यहाँ से होके यहाँ पड़ता है, यहाँ से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर हो जाता है और यहाँ पर शिफ्ट होते होते यहाँ पर आके शिफ्ट होता है, तो बॉडी वेट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यानी एकदम परपेंडिकुलर हो गया, तो सीधा पोजीशन में रहता है जिससे वो स्लिप नहीं होते हैं, तो वो ये पोजीशन लाने के लिए अपने जो पैर को इस तरीके से कर लेता है, तो ये जब बॉडी वेट उसकी एक
परपेंडिकुलर हो जाएगा तब वो फिसलेंगे नहीं, तो डॉक्टर तो वो यही पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। यही कंडीशन सेम यहाँ पे है कि अपना वेट एकदम सीधा रखना चाहता है यहाँ से यहाँ पे, तो इस चीज़ को बैलेंस करके यहाँ पे लाता है। तो वही है कि अगर जहाँ से वेट है वो सीधे उसके नीचे एकदम परपेंडिकुलर ट्रांसफ़र करना उसका काम कोशिश करता है, इसी वजह से बेंड हो जाती है। तो ये आपके तीन रीज़न थे, अब मैं इन तीनों के सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों पहला रीज़न था कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसका पहला सॉल्यूशन भी वही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम उसके बॉडी को दीजिए। और वो कैसे होगा कि आप उसे टैबलेट दे सकते हैं, उसको सिरप दे सकते हैं और दोस्तों बोन्स दे सकते हैं उसे खाने को। और अगर दोस्तों कुछ ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन D3 का एक इंजेक्शन आता है वो अपने वेटनरी डॉक्टर से बात करके लगवा सकते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी को पूरा कैल्शियम मिल पाएगा। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम थी कि उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करिए, अगर दोस्तों आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप सुबह शाम एक्सरसाइज कराइए। जैसे कि आपके डॉग को ये पैर बैंड होने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करा सकते हैं, उसको रनिंग कराइए। ठीक है कि अगर वो मान के चलिए कि वो भाग नहीं पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्के हल्के वॉक पे ले जा सकते हैं उसे, हल्के हल्के वॉक कराइए, हल्के हल्के उसकी कंडीशन सही होती रहेगी तो वो भागने भी लगेगा, और जब भागने लग जाएगा तो ये प्रॉब्लम पूरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और फिर थर्ड रीज़न था कि उसका टाइल फ्लोर, तो आप क्या अगर आपके घर में टाइल फ्लोर है तो आप उसे रफ फ्लोर पर रख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसकी ग्रिप बनेगी, क्योंकि टाइल फ्लोर पर उनकी ग्रिप नहीं बन पाती है तो रफ फ्लोर पर उनकी ग्रिप बनती है। और ये प्रॉब्लम जो होती है टाइल फ्लोर वाली, उसमें स्लिपी होता है तो उनके पैर फिसलते हैं, और फिसलते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो बैंड होने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के उनके पैरों को आदत हो जाती है बैंड होने की। तो दोस्तों ये तीन सॉल्यूशन मैंने आपको दिए, अगर आपके डॉग को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आप ये सॉल्यूशन को अप्लाई जरूर करिए, या फिर आपके किसी रिलेटिव के डॉग को या फिर फ्रेंड के, या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो किसी डॉग को देखते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको आप ये सॉल्यूशंस बताइए जो हमने आपको बताए। दोस्तों शेखर भाई हमारे, उनके डॉग को ये प्रॉब्लम हो चुकी थी तो हमने उनको गाइडेंस दी थी कि उनको कैसे सॉल्व करनी प्रॉब्लम को, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। पहले का दिखाते हैं आपको डॉग को कैसे परेशानी थी, अब वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो ये देखिए। अगर आप नए मेंबर हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत चीज़ें सिखा भी रखी हैं जो आप अपने डॉग को सिखा सकते हैं, तो आपको ज़रूर वो वीडियोस पसंद आने वाली हैं, तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। दोस्तों इतने सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, जो आप हमसे अब तक बने हुए हैं, और आगे तक हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। जो भी अब तक स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग अपने व्यूवर्स की वजह से है, तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और दोस्तों हमारे व्यूवर हैं जिनसे मेरी बात हुई थी आकाश, वो हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग के, और मेरे हेलो आकाश इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबका मैं। दोस्तों हर चीज़ की स्टार्टिंग के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, और सपोर्ट हमें स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग को आप लोगों से मिला है। हम कुछ कुछ नया लाने के डे बाय डे सोचते रहते हैं, जिससे कि क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमको, इतना सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। और दोस्तों जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेंबरशिप के लिए, उनको हम गाइडेंस भी दे रहे हैं प्लस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनकी, और उसके उन्होंने एक अमाउंट पे की थी जो कि हम ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग देते हैं डेली। और दोस्तों उनके डॉग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं अभी तक, और उनको हम गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो और उनकी भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे, आप उनको भी देखेंगे। और दोस्तों अगर अभी भी आपका मौका है, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप भी यूट्यूब पे आ सकते हैं और अपने डॉग को भी ला सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे, तो आप हमारा एक मेंबर बन सकते हैं। आप नीचे व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, हम आपको विद इन अ डे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको समझा भी देंगे कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होनी है। और दोस्तों आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं मेंबरशिप के ऊपर बनाई हमने, ऑनलाइन डॉग ट्रेनिंग के ऊपर बनाई है। और दोस्तों हमने क्लिकर वाली वीडियो डाली है, उसके लास्ट में हमने समझाया अच्छे से कि मेंबरशिप में कैसे कैसे सब कुछ होना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।